हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद दीदी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बिना मैदा के बिना आटा के रोल, वो भी हम बना रहे हैं यहाँ पर वेजी रोल्स, वो भी पापड़ से। हाँ जी, यहाँ पर बना रहे हैं हम वेजी पापड़ रोल, जो कि बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं और कोई झंझट भी नहीं है कि हमें डो लगाना है या आटा मलना है। तो चलिए फटाफट वेजी रोल किस तरीके से बनते हैं पापड़ के साथ तैयार कर लेते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कैप्सिकम, बारीक चॉप कर ले रहे हैं, और साथ में कैबेज यानी पत्ता गोभी, थोड़ा सा कैरेट और थोड़ा सा पनीर। आप सभी को कद्दूकस भी कर सकते हैं या थोड़ा सा इनको बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। ये मैं एक बाउल में डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें गार्लिक और ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। जी, मैंने ले ली है एक बाउल में, और अब डालेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून हम डाले हैं ब्लैक पेपर, और डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी सब्जियों में डालेंगे 1 टीस्पून हम डालें यहाँ पर टमाटो केचप, साथ में डालेंगे हम 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं हम यहाँ पर सोया सॉस, 1 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून डाल रहे हैं हम यहाँ पर रेड चिली सॉस या फिर सेजवान सॉस, जो भी आपके पास इजीली हो आप वो ऐड कर दीजिए, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिए हमने, और अब आती है हमारे पापड़ की बारी। तो यहाँ पर मैंने लिजित पापड़ लिए हैं, कोई भी पापड़ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लिजित पापड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक प्लेट में एक बाउल में हमने लिया है पानी, और एक एक पापड़ हम इसमें डालते जाएंगे इस तरीके से, यानी हमें उसको गीला कर लेना है अच्छे से, उसका एक्स्ट्रा पानी हम इस तरीके से निकाल देते हैं। और अब हम डालेंगे बीच में इसकी स्टफिंग, ये हमने स्टफिंग डाल दी है, और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, और अब हम इसको रोल करेंगे। इस तरीके से हमारे जो रोल हैं सारे ही हमने रेडी कर लेना है, और फिर क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से हम रोल तैयार कर लेंगे। और अगर आपने करना है डीप फ्राई तो आप डबल पापड़ लीजिए, यानी पहले एक पापड़ का रोल बना लीजिए, फिर दूसरे पापड़ को भी इस तरीके से गीला करके उसका रोल बना लीजिए। और अगर आपको करने हैं सैलो फ्राई तो आप एक ही पापड़ से काम चला सकते हैं। और इसको हमने क्या करा, तवे को करा है ग्रीस, और अपना जो रोल है वो रख दिया हमने तवे पर, और हम इसको सैलो फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम रख देते हैं, और हल्का सा हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, बटर या फिर ऑयल, और इनको सिकने देंगे अलट पलट करके। बहुत हल्के हाथ से हम इसको सिकने देते हैं क्रिस्पी होने तक। हमने दोनों तरफ से एक बटर या घी लगाकर या ऑयल लगाकर अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक अपने वेजी पापड़ रोल बनकर रेडी कर लिए हैं, और सर्व करने के लिए गर्मा गर्म पापड़ रोल बनकर तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो ये हमारे वेजी पापड़ रोल बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हैं। बनाते हुए ध्यान रखना है कि आप जो पापड़ है उसको बहुत ज़्यादा देर पानी में ना रखें, बस डालें और निकालें, वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और रोल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। दूसरा, हमें इसको टाइट हाथ से बिल्कुल नहीं बनाना, बहुत हल्के हाथ से तैयार करेंगे। स्टफिंग बहुत ज़्यादा ना भरें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और पेपर की तरह, तो ये फट भी सकता है। अगर आपका फट जाता है तो आप डबल वी पापड़ ले सकते हैं, और इसको धीमी धीमी आंच पर आप सेकिए क्रिस्पी होने तक। तो ये हमारे वेजी पापड़ रोल बनकर तैयार हो गए हैं, जिसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।